देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी जी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 100 गांव में दिए जलाने का लक्ष्य। संस्थान के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के शताब्दी समारोह का दिव्य शुभारंभ भिन्न भिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। इस समारोह के तहत मुख्यालय आबू पर्वत के आसपास 100 अलग अलग गांव में शिवरात्रि तक हर रोज घरों में दिया जलाकर घर को एवं गाँव को स्वर्ग जैसा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका शुभारंभ आबू रोड ब्लॉक के निचलागढ़ ग्राम पंचायत में सरपंच रेखा कुमारी एवं वार्ड पंचों के साथ साथ ग्राम वासियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें संस्थान के पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफिस से वरिष्ठ राजयोगी बीके शांता कृष्णा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके लक्ष्मी एवं विभाग के सभी सहयोगी भाई बहनों ने तथा रेडियो मधुबन के सामुदायिक रिपोर्टर आरजे बीके पवित्र भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कई स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। सेंटनरी सेलिब्रेशंस उसी शताब्दी के समय में हमें यूनिवर्सल वर्नेस विश्व एकता महायज्ञ का एक प्रमोशन शुरू किया। हर गांव में या स्कूल्स में या कॉलेजेस में 100-100 प्रोग्राम करने के लिए, योग के लिए 100 घंटा 100 दिन, ऐसा ही दिन में 1 घंटा मौन, नहीं तो हफ्ते में 1 दिन मौन रहने का या अभ्यास करने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का दादी जी का विशेषता यही है, ज्ञान युक्त और योगयुक्त जीवन के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व है। माँ मंडलेश्वर साध्वी रितंभरा जी पहुंची ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। हरियाणा के सिरसा स्थित आनंद सरोवर परिसर में सनातन संस्कृति की बुनियाद आध्यात्मिकता विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के विभिन्न संतों, कई धार्मिक संप्रदायों के प्रमुख, 105 मंदिरों के पुजारी, 15 गौशालाओं के प्रधान, 35 शास्त्री, 25 ज्योतिषाचार्य, नाथ संप्रदाय के अनेकों नाथ, राधा स्वामी संप्रदाय, ब्राह्मण समाज तथा धार्मिक संस्थानों के प्रधान और सचिव सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, जिनका ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विशेष सम्मान किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में हुए इस आयोजन में महामंडलेश्वर साध्वी रितंबरा जी झज्जर मुख्यालय से संस्थान के धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, हिसार के विभागाध्यक्ष बृजमोहन शर्मा, तरावड़ी के सत्येंद्र गिरी जी महाराज, माखो सरानी के नन्नू नाथ जी, ब्रह्मानंद जी महाराज समेत अनेक वक्ताओं ने सभा को विषय के तहत मार्गदर्शित किया। शिव बाबा ने हमारे लिए जो एक नई संस्था खड़ी की, ब्रह्मा पिता के द्वारा ईश्वरीय परिवार में कोई भेदभाव लगा ही नहीं कभी, बिल्कुल एक जैसा लगा। और हमेशा से एक इच्छा रहती थी कि हम एक ही क्यों ना हो जाएं, एक ही मंच पर क्यों ना कार्य करें। तो आज वो मैं साक्षात होते हुए देख रही हूँ। आज मेरे दिल में जो खुशी है, जिसका मैं बखान नहीं कर सकती, ब्रह्मा बाबा ने जो किया, मैं बार बार उनको नमन करती हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रह्म कुमारी जी का कि हम सब एक हो, एक मिल करके। जैसे आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि वह भी संत साधु भी बुलाए क्या, और आगे भी और ज़्यादा इससे बढ़कर चढ़कर के हमने साथ देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ध्यान से अपने सनातन धर्म को रोहित रखना चाहिए। आगे राजयोग शिक्षिका बीके रानी द्वारा सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। वहीं बाल कलाकारों के सांस्कृतिक नृत्य तथा आध्यात्मिक गीतों के सरगम ने कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाए। उस परम पिता परमात्मा के सर्वशक्तियों से अगर 2 मिनट भी आप रोज, क्योंकि पत्थर को रस्सी से काटा नहीं जा सकता है, लेकिन काटा जा सकता है। कुएं पर पत्थर डालते, रोज पानी निकालते निकालते पत्थर भी घिस जाता है। हम कहेंगे हमारे कठोर संस्कार है, जाता नहीं है। अभ्यास मनुष्य को परिवर्तन करता है। हम दोनों संस्थाएं मिलकर संतों की शरण में आकर इनके मार्गदर्शन में समाज को रास्ता दिखाएं और समाज की उन्नति हो सके, मेरा सनातन समाज एक हो, सशक्त हो और इस देश को विश्व गुरु के स्तर पर ले जाए। जिस राम राज्य की हम बात कर रहे हैं, जिस 22 जनवरी का हम इंतजार कर रहे हैं, उस राम राज्य को लाने के लिए हमें ब्रह्मचर्य बहुत मदद करेगी। राम जैसे राजा इस धरा पर लाने के लिए, उन संस्कारों को अपने भीतर भरने के लिए
राम वंशज बनने के लिए ये चीज हमें बहुत मदद करेगी। अयोध्या से आए अक्षत कलश की शोभा यात्रा में ब्रह्मा कुमारी शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या धाम से आए अक्षत कलश का बिलासपुर में पूरे उमंग उत्साह और जय श्री राम के नारों के साथ जनता ने स्वागत किया। इस अवसर पर तखतपुर बिलासपुर ब्लॉक क्षेत्र विधायक धर्मजीत सिंह ने रैली की आगवानी की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी के बीच सदस्यों ने परमात्मा का झंडा लेकर रैली का उत्साह वर्धन किया और उनके साथ क्षेत्रीय प्रभारी संदीप शर्मा, नागेंद्र शर्मा एवं मनीषा चौहान भी उपस्थित रहे। उसलापुर स्थित शांति सरोवर की प्रभारी बीके छाया ने भारत में राम मंदिर की स्थापना की, सभी को बधाइयां दी और मंदिर के साथ राम राज्य की स्थापना के लिए राम के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। गुजरात सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुमति से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुजरात दिव्यांग समानता संरक्षण और सशक्तिकरण अभियान का सेवा एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के सहयोग से शुभारंभ किया गया। गुजरात के गांधीनगर स्थित सेक्टर 16 सेवा केंद्र पर विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में नेत्रहीन बच्चों के लिए हुए इस आयोजन में स्थानीय कई अतिथियों ने शिरकत की। इस अवसर पर अभियान यात्रियों का पट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन से पहुंचे दिव्यांग सेवा के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सूर्यमणि ने कहा कि दिव्यांगों के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखने का नेक प्रयास करें, उनकी समानता सुरक्षा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। इस अवसर पर गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश के निर्देशन में एवं मुख्य अतिथि राज्य सामाजिक सुरक्षा विभाग के डायरेक्टर विक्रम सिंह जाधव की उपस्थिति में अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। आपको बता दें, इस अभियान के तहत दिव्यांगों की खुशी, शांति और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शांतिवन में हाल ही में संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा विशेष युवाओं के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके आत्म प्रकाश, ज्ञान सरोवर संयोजक बीके वीरेंद्र, शांतिवन संयोजक बीके हरीश, पांडव भवन संयोजक बीके जीतू, दिल्ली जोन कोऑर्डिनेटर बीके अनुसुईया, दिल्ली से बीके रोहित समेत अन्य वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली जोन से आए कई युवाओं ने इसमें भाग लेकर प्रभाग के तहत चल रहे अभियानों की जानकारी ली और आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। आगे व्यसन मुक्ति के लिए भी युवाओं को मार्गदर्शित किया गया। मध्य प्रदेश के सारिणी स्थित स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकालकर गीता ज्ञान प्रवचन सप्ताह का शुभारंभ किया गया। सेवा केंद्र से निकल मुख्य मार्ग से होती हुई यह शोभा यात्रा आयोजन स्थल पर पहुंची। यात्रा में श्री कृष्ण की झांकी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। सिवनी से आई राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने मुख्य वक्ता के तौर पर 7 दिन तक चलने वाले इस गीता प्रवचन में रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित प्रवचनों के माध्यम से गीता ज्ञान का आध्यात्मिक और व्यवहारिक रहस्य बताया। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष किशोर वर्दे, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू, बीके सुनीता समेत अन्य कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।